देश में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इस बार चुनाव कुल 7 चरणों में होने वाले हैं। दिल्ली में मुख्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बिहार में भी राज्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें, बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटों पर कुल 7 चरणों में चुनाव होंगे। बिहार में पहला चरण 11 अप्रैल को, दूसरा चरण 18 अप्रैल को, तीसरा चरण 22 अप्रैल को, चौथा चरण 29 अप्रैल को, पांचवा चरण 6 मई को, छठा चरण 12 मई को और सातवां चरण 19 मई को होगा। बता दें कि इस लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में करीब 7,06,00,000 मतदाता वोट देंगे। इनमें 3,73,07,904 मेल जबकि 3,32,93,468 फीमेल वोटर्स हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे आपके दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के बारे में। वहां नॉमिनेशन से लेकर कब होंगे चुनाव, इसकी भी पूरी जानकारी आपको देंगे। इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में 11 अप्रैल को पहले चरण का जो चुनाव होगा उसमें बिहार की 4 सीटों औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई पर वोटिंग होगा। वहीं दूसरे चरण यानी 18 अप्रैल को किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका, इन 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 10 अप्रैल को तीसरे चरण के चुनाव में 5 सीट झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया में चुनाव होंगे। 29 अप्रैल को चौथे चरण में 5 सीट दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर, पांचवे चरण यानी 6 मई को 5 सीट सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में मतदान होगा। वहीं छठे चरण 12 मई को वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, वैशाली, महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज, इन 8 सीटों पर वोटिंग होगी। जबकि सातवें चरण में 19 मई को 8 सीट नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, जहानाबाद और कालागढ़ सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चलेगी। आपको बता दें कि बिहार में आपके दरभंगा लोकसभा सीट की चुनावी तारीखों के बारे में, दरभंगा लोकसभा सीट के लिए चौथे चरण में यानी 29 अप्रैल के दिन सोमवार को चुनाव होंगे। इसके लिए अधिसूचना 2 अप्रैल को जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 9 अप्रैल है। नामांकन की जांच 10 अप्रैल को होगी। उम्मीदवारों के नाम वापसी की तारीख 12 अप्रैल है। वहीं वोटों की गिनती 23 मई को होगी। मालूम हो कि दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में कुल 16,44,671 वोटर्स हैं। 2014 में हुए पिछले लोकसभा चुनाव में यहां बीजेपी के कीर्ति आजाद ने RJD के अली अशरफ को पराजित किया था।